इन्फो एकेडमी पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जो ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो ECHS का स्टेशन सेल अंबाला है उसके द्वारा 82 यानी 82 पदों का जो विज्ञापन जारी किया गया है इस विज्ञापन के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। आप कैसे इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये सब चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कृपया सभी से एक निवेदन है इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि इस वीडियो के नीचे एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, कृपया उस सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर आप सभी को हमारे इस चैनल द्वारा जो नई वैकेंसीज निकलती हैं उनका जो नोटिफिकेशन हम इस वीडियो के माध्यम से लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जॉब से रिलेटेड सभी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलेंगे। चलिए आज आपको बताते हैं जो आज के वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे ECHS सेल जो स्टेशन सेल अंबाला है हरियाणा में उसके द्वारा 82 या 82 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो 65 पोस्टें हैं जो 65 पद हैं वह एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं यानी एक्स सर्विसमैनों के लिए सुनहरा अवसर है और जो 65 पद हैं उनके लिए एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं और ओपन पद जो निकाले गए हैं वो हैं 17 ओपन पद विज्ञापित किए गए हैं। इसमें जो एक्स सर्विसमैन नहीं भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और यह जो विज्ञापन है वह ट्रिब्यून दिनांक 29 जनवरी 2019 के ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ है। इसके लिए जो एप्लीकेशन जमा कराने की जो अंतिम तारीख है लास्ट डेट है वह 20 फरवरी 2019 है। तो 20 फरवरी 2019 का इंतज़ार ना करते हुए कृपया उससे पहले आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म की आवश्यकता होगी जो ECHS की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपको एक लिंक देंगे, आप उससे भी एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वह डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन ये भर्ती है, ऑफलाइन आप अप्लाई करेंगे इसके लिए। तो चलिए आपको बता देते हैं जो ये विज्ञापन जारी किया गया है ECHS स्टेशन सेल अंबाला द्वारा कुल 82 पदों का जो विज्ञापन जारी किया गया है इसमें जो 65 पद हैं क्लियर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, रिजर्व वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 65। इसमें से कौन कौन सी किस किस अलग अलग पोस्टों के लिए हैं, किस किस स्टेशन पे है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। जो मेडिकल स्टाफ है मेडिकल स्पेशलिस्ट की एक वैकेंसी है और सोनीपत के लिए है, मेडिकल ऑफिसर की जो 12 वैकेंसी हैं इनमें 6 अंबाला के लिए हैं, यमुनानगर में 1 है, करनाल में 1 है, कैथल में 1 है, नारायणगढ़ में 1 है, कुरुक्षेत्रा में 1 है, खरखोदा में 1 है और डेंटल ऑफिसर के लिए 5 वैकेंसी है, इसमें 1 नारायणगढ़ के लिए है, 1-1 है सभी जगह, नारायणगढ़ में 1 है, करनाल में 1 है, गोहाना नाहन कैथल में 1-1 वैकेंसी है। पैरा मेडिकल स्टाफ जैसे रेडियोग्राफर इसकी 4 वैकेंसीज हैं, 1 यमुनानगर में है, 1 कुरुक्षेत्रा में के लिए है और 1 करनाल के लिए है, कैथल के लिए है। इन सभी डिस्ट्रिक्टों में इनके एक पॉलीक्लिनिक है वहाँ ये पोस्टिंग करेंगे, ECHS वहाँ पोस्टिंग करेगा। फार्मासिस्ट की भी 4 वैकेंसी है, नारायणगढ़ में 1 है, कुरुक्षेत्रा में 2 है, नाहन में 1 है। इसी प्रकार नर्सिंग असिस्टेंट की 6 वैकेंसीज हैं, 1 अंबाला में है, 1 सोनीपत, नारायणगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल, गोहाना में 1-1 वैकेंसी है। डेंटल ATH की 5 वैकेंसी है, 1 अंबाला, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत और कैथल में 1-1 वैकेंसी है। साइकोथेरेपिस्ट की 1 वैकेंसी है, वो अंबाला के पॉलीक्लिनिक के लिए है। लैब असिस्टेंट की 5 वैकेंसी हैं, जो सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और नारायणगढ़ पानीपत के पॉलीक्लिनिक के लिए 1-1 वैकेंसी है। लैब टेक्नीशियन की 2 वैकेंसी है, अंबाला और कुरुक्षेत्र में 1-1 वैकेंसी है। नॉन मेडिकल स्टाफ क्लर्क की 10 वैकेंसी हैं, अंबाला में 3 वैकेंसीज हैं, नारायणगढ़ में 1 वैकेंसी है, यमुनानगर में 1 वैकेंसी है, कुरुक्षेत्र में 1 वैकेंसी है,
करनाल के पॉलीक्लिनिक के लिए एक वैकेंसी है, कैथल के लिए एक, हरखोदा के लिए एक, गोहाना के लिए एक वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की कुल दो वैकेंसियाँ इन्होंने एडवर्टाइज़ की है, ACHS द्वारा एडवर्टाइज की गई हैं, एक सोनीपत में और एक नाहन में। फीमेल अटेंडेंट की एक वैकेंसी है जो यमुनानगर पॉलीक्लिनिक के लिए है। फीमेल अटेंडेंट के लिए केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। ड्राइवर की एक वैकेंसी है जो अंबाला के पॉलीक्लिनिक के लिए है। चौकीदार की तीन वैकेंसीज हैं जिनमें से एक एक हैं, यमुनानगर, करनाल और खरखोदा में एक एक वैकेंसी है। कुल मिलाकर चौकीदार की तीन वैकेंसी है। सफाई वाला की एक वैकेंसी है और अंबाला में ही है, ये अंबाला का जो पॉलीक्लिनिक है ECHS का, उसके लिए एक वैकेंसी है। आपको यह बता देते हैं जो उपरोक्त ये 65 वैकेंसीज का जिक्र हमने इस वीडियो के आपके स्क्रीन पे किया है, इसके लिए केवल एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जो है सिविल कैंडिडेट का, जो एक्स सर्विसमैन नहीं है, उनका भी एक्सेप्ट करेंगे और उनका प्रोविजनली इन पोस्टों के लिए इंटरव्यू भी लेंगे। यदि एक्स सर्विसमैन सफिशेंट नहीं मिलते या एक्स सर्विसमैन अप्लाइड या डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, अनफिट हो जाता है, तो उस स्थिति में जो सिविल कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जाएगा और इन वैकेंसीज के लिए 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। 11 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके बाद जो ओपन वैकेंसी है वो केवल 10 निकाली गई हैं। ये सिविल के जो एक्स सर्विसमैन नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मेडिकल स्टाफ के लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट एक अंबाला के लिए, गायकोनोलॉजिस्ट एक अंबाला के लिए, डेंटल ऑफिसर एक अंबाला के लिए है, पैरामेडिकल स्टाफ में फार्मासिस्ट दो अंबाला के लिए हैं और मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, IT नेट टेक्नीशियन एक वैकेंसी अंबाला के लिए है, क्लर्क की एक वैकेंसी है पानीपत के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की दो वैकेंसी है अंबाला के लिए और एक ड्राइवर की वैकेंसी है, दोनों ये एक गोहाना के लिए है। इनके लिए भी एक्स सर्विसमैन और सिविल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इनके लिए भी जो ओपन वैकेंसीज हैं इनके लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि 20 फरवरी को शाम 2:30 बजे तक आप एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं और ये जो टर्म कंडीशन एप्लीकेशन फॉर्म है इसके लिए रेमुनरेशन है वो आप जो ECHS की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसके डाउनलोड सेक्शन से इसका फॉर्म ले सकते हैं। वेबसाइट है www.echs.gov.in है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 फरवरी है। 20 फरवरी तक आप सारे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो डुप्लीकेट कॉपी में आपने सबमिट करनी है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, डिग्री, डिप्लोमा, वट एवर इज एप्लीकेबल, क्वालिफिकेशन फॉर क्लर्क, डायरेक्ट एंट्री ऑपरेटर, ग्रेजुएशन और क्लरिकल ट्रेड का जो आर्मर्ड फोर्स से मिला होगा वो, नेट IT नेट टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट इन IT, नेटवर्क कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेडिकल स्टाफ के लिए जो 5 ईयर्स का जो कम से कम अनुभव है वो लगाना है, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 5 ईयर, एक्सेप्ट फार्मा 3 ईयर्स एंड लैब टेक्नीशियन जो है उसके लिए 3 साल का जो अनुभव है वो अनुभव प्रमाण पत्र आपने साथ लगाना है, नॉन पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। इस प्रकार आप कंप्लीट एप्लीकेशन को आप जो स्टेशन सेल है, स्टेशन सेल ECHS सेल अंबाला कैंट में आप जमा करवा सकते हैं और इन वैकेंसीज के लिए आपका जो इंटरव्यू है वो वॉक इन इंटरव्यू होगा, जो 5 मार्च को जो इसमें OIC एंड ऑल मेडिकल डेंटल ऑफिसर हैं उनका जो 5 मार्च को इंटरव्यू होगा और ये 8 बजे आप सभी को रिपोर्ट करनी होगी जो जो अप्लाई करेंगे। 7 मार्च 2019 को ऑल पैरामेडिकल स्टाफ का इंटरव्यू होगा और रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 8:30 बजे। 11 मार्च 2019 को नॉन पैरामेडिकल स्टाफ जैसे क्लर्क हैं, ड्राइवर हैं, सफाई वाला है, फीमेल अटेंडेंट है, उन सभी का इंटरव्यू होगा और उसके लिए जो आप रिपोर्ट करनी होगी आपको स्टेशन सेल ECHS में अंबाला कैंट में वह 8:30 पर आपको सुबह करनी होगी। यदि आपको इससे कोई क्वेरी है, इससे संबंधित आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप ECHS सेल के जो टेलीफोन नंबर है 0171-263-1162 पे आप कॉल करके भी कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक ज़रूर करें और अपने सह अभ्यर्थियों में इसे शेयर अवश्य करें।
यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो इसके कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। धन्यवाद।